कांग्रेस की महासचिव एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ट्विटर पर भावुक हो गई हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा की बचपन की दोस्त और एशिया की सबसे उम्रदराज रीता की मौत बुधवार को हो गई। चिंपांजी रीता के निधन से प्रियंका गांधी काफी दुखी हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए बताया कि रीता उनकी काफी अच्छी दोस्त थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब मैं एक बच्ची थी तब मेरे पिताजी को एक शेर उपहार में दिया गया था। उस शेर को चिड़ियाघर को उपहार में दिए जाने से पहले वो हमारे घर पर थोड़े दिनों के लिए रुका था। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी ने जिस शेर को चिड़ियाघर में दिया था उस शेर से मैं मिलने के लिए हर दूसरे दिन चिड़ियाघर जाया करती थी। तब मेरी रीता के साथ वही दोस्ती हुई थी। जो चिड़ियाघर के पशु डॉक्टर थे मैं उनके साथ रुककर उसके जांच का इंतजार करती थी। उन्होंने आगे लिखा कि वह सबसे सुंदर और बुद्धिमान प्राणी थी। मेरे पुराने दोस्त की आत्मा को ईश्वर शांति दे। आपको बता दें कि दिल्ली के चिड़ियाघर में 55 सालों से दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही एशिया के सबसे उम्रदराज चिंपांजी 59 वर्षीय रीटा करीब 72 दिनों से बीमार चल रही थी। बीते सप्ताह उसकी हालत ज्यादा नाजुक हो गई थी। उसकी हालत ज्यादा नाजुक हो जाने के कारण दूसरे राज्यों के भी बड़े डॉक्टरों ने दिल्ली आकर उसकी जांच की थी, लेकिन मंगलवार दोपहर करीब 12:15 बजे रीटा ने आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रीटा की मौत का कारण उसके आर्गन फेल होने का कारण हुई है। बताया जा रहा है कि रीटा 28 जुलाई 2019 से बीमार चल रही थी। बता दें कि रीटा का जन्म एम्स्टर्डम चिड़ियाघर में वर्ष 1960 में हुआ था। वर्ष 1964 में एम्स्टर्डम चिड़ियाघर से उसे दिल्ली के चिड़ियाघर लाया गया था। हालांकि यहाँ रहने के कुछ दिनों बाद ही उसे पंजाब के चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया गया था। अब रीटा नाम की चिंपैंजी की मंगलवार को मौत हो गई। इसकी मौत की खबर से प्रियंका गांधी काफी भावुक हो गई, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। साथ ही उन्होंने रीटा को एक बुद्धिमान प्राणी भी कहा है। दोस्तों, जानवर और इंसानों के बीच ऐसा प्रेम कुछ ही लोगों में देखने को मिलता है। उसी प्रेम से भावुक होकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए संवेदना व्यक्त की है।